हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और आज का व्लॉग जो है सेल्फ केयर पे होने वाला है। मैं मंथ में एक बार अपनी फुल केयर कैसे करती हूँ वो सब मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। कुछ चीज़ें तो मैं डेली करती हूँ वो भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। साथ में मैं घर को कैसे हैंडल करती हूँ, घर के काम कैसे करती हूँ वो सब शेयर करूँगी। तो जो आपने देखा है तो मैंने एक बाउल में जो है चाय पत्ती और पानी उबालने के लिए चढ़ा दिया है। ये जब तक पकेगी तब तक के लिए मैं जो भी बर्तन हैं बचे थे रात के वो मैं धुल दूँगी और इसके बाद मैं बनाऊँगी तेजस के लिए ब्रेकफास्ट, क्योंकि अभी तेजस उठे नहीं है तो उनका स्कूल तो है ही, तो इसीलिए मैं फटाफट मैं काम करूँगी। मैं उठी थी 5:30 बजे और 5:30 बजे मैंने चाय वाय बनाकर हस्बैंड को दे दी थी। उसके बाद जो है मुझे टिफ़िन बनाना है और अपने लिए भी थोड़ा से टाइम निकालना है। हम जो मदर्स होती हैं ना, घर के काम के चक्कर में अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाती हैं और अपनी सेल्फ़ केयर बिल्कुल नहीं करती हैं, जिसकी वजह से हमारे हेयर फॉल होते हैं, हमारी स्किन का टेक्सचर ख़राब होने लगता है, रिंकल्स जल्दी आने लगते हैं और हमारी हेल्थ जो होती है बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती, बहुत जल्दी थकान आने लगती, क्योंकि हम लोग अपनी केयर नहीं करते। मगर मैं ये गलती नहीं करती हूँ, ये कभी मैंने आप सबके साथ शेयर नहीं किया है, मगर आज ज़रूर शेयर करूँगी सेल्फ केयर। ये देखिए चाय का कप आ चुका है, यानी चाय पी ली गई है। तो अब मैं आ गई हूँ बर्तन धुलकर। यहाँ पर मैं करूँगी योगा, मेरा 1 घंटे का योगा होता है, 1 घंटे से समझ लीजिए थोड़ा कम होता है योगा करती हूँ, क्योंकि मुझे अस्थमा प्रॉब्लम है। रूटीन मैंने दोबारा शुरू कर दिया है, योगा मैं डेली करती हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हो मुझे अस्थमा प्रॉब्लम है, तो योगा मेरे लिए बेस्ट है, मेरे लिए क्या सभी के लिए बेस्ट है। कुछ स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं सूर्य नमस्कार कर रही हूँ और ये थोड़ी सी एक्सरसाइज करती हूँ योगा वाली, तो जिससे मेरी हेल्थ सही रहती है और मैं हेल्दी रहती हूँ, फिट रहती हूँ, तो इसलिए मैं करती हूँ। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर रूम में, जो मैंने चाय का पानी चढ़ाया था वो जो है पक चुका है और यहाँ पर मैं बैठकर मेहंदी के पैकेट ओपन कर रही हूँ। और आपको बता दूँ तेजस ऑलरेडी स्कूल जा चुके हैं, क्योंकि उसने ही बीच में मैंने जो है तेजस का टिफ़िन ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था और यहाँ पर मैंने मेहंदी के पैकेट ओपन कर लिए हैं। आप जो भी मेहंदी यूज़ करना चाहते हो आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कॉफ़ी, क्योंकि मेहंदी में कॉफ़ी डालने से हमारे जो स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छा होता है। साथ में मैं यहाँ पर प्याज का रस डाल रही हूँ और ये है चाय पत्ती का पानी, आप देख सकते हो। और मेहंदी मैंने हेयर लेंथ के हिसाब से ली है और इसमें मेरे हस्बैंड भी लगाएंगे मेहंदी, तो हम दोनों लगाएंगे, तो उस हिसाब से ली है मेहंदी। तो धीरे धीरे करके मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और मैं इसको जो है मिक्स करने के बाद कम से कम नहीं तो 1 से 1.5 घंटा ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि मैं रात को नहीं भिगो पाई थी मेहंदी, तो मैंने कहा कि चलो मॉर्निंग में ही इसको सोक कर लेते हैं। 1 से 1.5 घंटा काफ़ी है इसको सोक करना, क्योंकि पार्लर में भी हम लोग जाते हैं ना तो 1 घंटा ही वो लोग सोक करती, इससे ज़्यादा नहीं करती, वो कलर टेक्स्चर बहुत अच्छा आता है। इसमें मैंने जो प्याज का रस डाला है ना, अगर आपके हेयर फॉल हो रहे हो ना तो नहीं होते हैं, तो प्याज का रस आप सभी जानते हो बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ फेस पैक, जो कॉफ़ी बची थी 1 चम्मच मैंने कॉफ़ी बचा रखी थी, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच शुगर, कोकोनट ऑयल, ये कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल है जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इसमें कोई भी केमिकल नहीं होते हैं, तो इन सबको मिक्स करूँगी। साथ में मैंने इसमें ऐड किया था थोड़ा से रोज़ वाटर, क्योंकि ये लिक्विड में आ जाए। अब यहाँ पर मैं जो है
इस पैक को अप्लाई करूँगी। मेहंदी मैंने ऑलरेडी खोल के रखी है और यहाँ पर जो है मैंने बैंड लगा लिया, जो हेयर जो होते हैं ना फेस पे आने लगते हैं तो अच्छी तरह से पैक लग नहीं पाता है, तो मैंने अपने बालों को सिक्योर कर लिया है और इस पैक को अप्लाई कर रही हूँ। फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ, सिंपल इजी तरीका है। और वाकई में ये पैक आपके फेस की टैनिंग रिमूव करता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन फेस का अच्छा करता है, प्लस आप सभी जानते हो कॉफ़ी चॉकलेट जो भी पैक लगाते हैं वो हमारी स्किन को यंग रखता है और ग्लो तो देता ही देता है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और जो शुगर है हमारी स्क्रबिंग का काम करेगी, साथ में ऑयल इसलिए मैंने डाला है क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है। तो मैंने बहुत दिनों बाद जो है ये पैक लगाया है, 15 से 20 दिन बाद लगाया है और अभी आप देखिएगा इसका फ़र्क मेरे फेस पे कितना नज़र आता है। बहुत अच्छा लगता है ये पैक लगाने के बाद, फीलिंग बहुत अच्छी आती है और मैं हैंड पे भी अप्लाई करूँगी इसे, क्योंकि हैंड भी हमारे टैन हो जाते हैं और स्किन बहुत ज़्यादा अजीब हो जाती है किचन में काम करते करते, तो इसीलिए मैं हैंड पे भी लगाऊंगी। पहले ये हस्बैंड को लगा दूँ फिर उसके बाद जो बचेगा मैं अपने हैंड पर लगाऊँगी। और हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए लगाएंगे, बस बहुत है। जब तक हम घर के सारे काम करेंगे ना तब तक के ये हमारा पैक जो है ड्राई हो जाएगा। तो आवाज़ आ गई है, मैं जा रही हूँ हस्बैंड के लगाने। तो जब तक के हमारा फेस पैक ड्राई होगा तब तक के लिए घर के छोटे छोटे काम कर लूँगी। मैंने फेस पैक इसलिए लगाया है क्योंकि मुझे अभी गैस के आगे कोई भी काम नहीं करना है, घर के जो छोटे काम होते हैं वही करना है, जैसे रूम को सेट करना, साथ में बेडशीट को सेट करना है, ऐसे ही काम करूँगी। क्योंकि अगर मैं गैस के आगे जाऊँगी और गैस के आगे काम करूँगी तो मेरी स्किन अच्छे होने की जगह और भी ख़राब हो जाएगी। तो आपको भी याद रखना है फेस पैक या तो रात को लगाइए, अगर मॉर्निंग में अप्लाई करते हो तो गैस के आगे काम बिल्कुल मत कीजिए, कम से कम नहीं तो 2 घंटे का गैप दीजिए। हमारा फेस पैक ड्राई हो गया है और हल्का से मैंने हैंड में वाटर लिया है और वेट करके मैं फेस पे हल्का से स्क्रबिंग कर रही हूँ, क्योंकि जो शुगर है हमारे फेस पे वो स्क्रबिंग का काम करेगी, जो डेड स्किन है उसको रिमूव कर देती है और हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है। और आपको बता दूँ ये पैक बचा था तो मैंने अपने हैंड और लेग्स में लगाया था, तो मैंने इसको डबल वॉश किया है, क्लीनिंग की है, क्योंकि इसमें ऑयल था तो इसमें ऑयल की वजह से ऑयली जो होता है ग्रीसीपना ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा से फेस वॉश लिया है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, हल्का से लिया है हैंड पे और इसको अप्लाई करूँगी बहुत लाइटली और हमारा जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा फेस से वो हट जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ अपनी मोस्ट फेवरेट चीज़ यानी निविया क्रीम। तो ये देखिए मैंने निविया क्रीम को बहुत अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया है। अब यहाँ पर मैं बात लेके आ गई हूँ, हमारा लंच तैयार हो गया है। अब यहाँ पर जो है तब तक के लिए हमारी जो मेहंदी थी बहुत अच्छी तरह से जो है भीग गई है, इसका कलर टेक्सचर आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरह से सोक हो चुकी है। अब मैं इसको अप्लाई करूँगी, मैं आराम से ज़मीन में बैठ गई हूँ और मैंने कपड़े ऐसे डाले हैं जिससे जो है हमारे कपड़े ख़राब ना हो, क्योंकि मेहंदी जो है किसी न किसी तरह से हमारे कपड़ों पे गिर ही जाती है। तो दुपट्टा भी मैंने इस तरह से टक कर रखा है ताकि जो है मेरे कपड़े क्लोथ्स जो हैं ख़राब ना हो। तो धीरे धीरे मैं एक एक लेयर लेती जाऊँगी और अप्लाई करूँगी। बाय द वे मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे पास ग्लव्स थे मगर पता नहीं कहाँ चले गए, मिल नहीं रहे, जब से टाइल्स लगे हैं घर में तब से जो है मेरा सारा सामान इधर का उधर हो चुका है, कुछ भी मिल नहीं रहा था। तो मैंने कहा कि चलो ऐसे ही अप्लाई कर लेते हैं, पॉलीथीन थी तो मैंने सोचा कि पॉलीथीन पहन के नहीं हाथ चलता है तो ऐसे ही बना लेती हूँ लगा लेती हूँ, क्योंकि थोड़े से मैसी ही तो होंगे। अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ हस्बैंड के मेहंदी, आप देख सकते हो वो बैठे हैं आराम से और उनके लगा रही हूँ और मैंने मेहंदी अप्लाई कर ली है। तो अब हम जा रहे हैं लंच करने। आज के व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाय।